अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मियाँ सिदिली शाह पीर बाबा। आप देख रहे हैं अली बहानी देसी दवाखाना। जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज मैं लेके आया हूं जो मेरे भाई काश्तकार खेती करते हैं, और खेती करने के बावजूद, लागत लगाने के बावजूद भी खेती खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, फसल पैदा नहीं होती, लागत लगाने के बाद सब कुछ पैसा लगाया, खाद पानी सब कुछ लगाया, और उसके बावजूद भी खेती में फायदा नहीं होता, फसल में फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं उन लोग भाइयों के लिए लेकर आया हूँ जो भाई मेरे खेती करते हैं, काश्तकारी करते हैं, कृषि करते हैं। तो आज मैं उनके लिए इतना पावरफुल नक्श लेके आया हूँ कि जो नक्श के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह की जात पर भरोसा करके इसको, इस नक्श को लिखें, बनाएं, और जहां आपका खेत है कम से कम इतना गहरा गड्ढा करके इसको एक खेत के कोने में दाब दें। जो अगर आप इसको खेत को जुतवाओ ट्रैक्टर से या हल से, तो वो ताबीज बाहर ना निकले, उस नक्श को दबा दें जिसके बारे में अभी बताने वाला हूं, और अभी कुछ देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। दोस्तों, इसका तरीका ये है कि इतवार के दिन इस नक्श को लिखें, जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बनाएं, और लिखने के बाद इतवार के दिन लिखें, और उसी दिन अपने खेत पर जाकर गड्ढा खोदकर इतना गहरा दबा दें जो मैंने अभी आपको बताया कि हल से या ट्रैक्टर से जब हैरो या कोई भी चीज जोतें खेत को, तो वो ताबीज बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब इतना गहरा गड्ढा हो खुद के दबाया जाए। आपकी फसल चौगुनी पैदा होने लगेगी, आपकी फसल को कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और आपकी खेती में चौगुनी खेती इंशाल्लाह ताला होगी, और अल्लाह ने चाहा आपके नाज में बरकत होगी, और आपकी खेती को कोई नुकसान नहीं होगा, चरंद परंद जानवर ये सबसे आपकी खेती महफूज रहेगी, और आपकी खेती में अनाज बहुत ही ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा। दोस्तों देखिए, कितना मतलब एक तावीज और आपके लिए कितना बेहतरीन और कितना पावरफुल है कि एक नक्श से आप खेती अच्छी कर सकते हैं, और अनाज में बरकत होगी, और आपकी खेती सैलाब से, आग से, पानी से, सब चीज से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हिफाजत रखेगा, और इंशाल्लाह ताला सही रहेगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है, जो अभी आपको स्क्रीन पर ताबीज दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आपको बनाना है, और बनाने के बाद आपको खेत में गाड़ देना है जो मैंने अभी आपको बताया है कितना गहरा गड्ढा खोद के दबाना है। तो दोस्तों, ये है उन मेरे भाइयों के लिए जो काश्तकार हैं, खेती करते हैं, और खेती उनकी फिर भी नहीं हो पाती, फसल की मारी जाती है, आग से, पानी से, जानवर से, परम से, इंशाल्लाह ताला हर चीज से महफूज रहेगी, और खेती चौगुनी पैदा होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहे आगे कोई वीडियो फिर पेश करूंगा आपके लिए। जब तक लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।